हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन भाग 8, जिसमें हम कोलरोश का नियम और कोलरोश के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, उसके एप्लीकेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की 7 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आई बटन पर जाके वीडियोज़ ज़रूर देखें। और साथ ही साथ, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो पोस्ट कर दी हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें और भी ज़्यादा लेक्चर आपको मिलेंगे यहाँ की तुलना में, है ना। तो और साथ ही साथ आपको पता है मैं नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि सांद्रता परिवर्तन करने से विभिन्न प्रकार की चालकताओं, जैसे मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंज आता है, ठीक है। तो वहां पर मैंने बताया था जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी चालकता निकालना इतना आसान नहीं होता। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, ग्राफ बनाया था, वो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो बन गया था, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या हुआ, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ तो बना बट उसको प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो उसके लिए किसके लिए, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, उनकी चालकताओं, मोलर चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता को ज्ञात करने के लिए एक साइंटिस्ट थे कोलराउश, उन्होंने एक नियम दिया जिसे कहते हैं कोलराउश का नियम। तो ये कोलराउश का नियम वैसे तो विद्युत प्रबल और दुर्बल के लिए दोनों है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इस नियम में जो बात की जाएगी वो प्रबल विद्युत अपघट्य की होगी। लेकिन इस नियम की सहायता से निकालेंगे हम, कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, दुर्बल विद्युत अपघट्य का भी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है, सिंपल है, आसानी से, और 12th स्टूडेंट्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कोलरोश का नियम कि हमेशा आया है और इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन भी पूछे गए हैं। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, बताया था ना अनंत तनुता, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्या होता है अनंत तनुता, तो आप उसे जरूर देखें तब पता चलेगा। अनंत तनुता मतलब बहुत ज्यादा, जब आप पानी मिला देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, उसकी सांद्रता बहुत कम हो जाती है विद्युत अपघट्य की, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस समय उसकी मोलर चालकता अधिकतम होती है और सांद्रता लगभग जीरो के नजदीक, ठीक है, जब सी का मान लगभग जीरो होता है उस समय माना जाता है अनंत तनुता, ठीक है। तो अनंत तनुता अगर हम कर दें किसी विद्युत अपघट्य की, तो उस समय जो मोलर चालकता होगी उसको सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं और अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी कहते हैं, ठीक है। इसका मान किसके बराबर होता है, उस विद्युत अपघट्य के, वो विद्युत अपघट्य जो भी बना होगा वो धन से और ऋण से बना होगा ना, तो उसके धनायन की चालकता, मतलब उसी धनायन की मोलर चालकता और उसी ऋणायन की और उस विद्युत अपघट्य के ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। आप यहां पर चालकता ना लिखें, मोलर चालकता, और यहां भी ऋणायन की मोलर चालकता लिखिए, ठीक है, योग के बराबर होती है। तो हम सिंपल कैसे कह सकते हैं, देखिए कि कोई विद्युत अपघट्य आपने लिया है, मैं आपको बता देती हूं यहां पर प्रबल विद्युत अपघट्य ही लिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्रबल विद्युत अपघट्य है, उसकी अनंत तनुता आपने कर दी, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, तो उसकी मोलर चालकता जो होगा उसका मान किसके बराबर होगा उसकी, लेकिन देखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, दुर्बल के लिए भी हम निकालते हैं इससे, ऐसा नहीं कि ये प्रबल के लिए है, दुर्बल के लिए भी है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमने निकालनी है, तो उस विद्युत अपघट्य के धनायन की कितनी चालकता है, धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, और इसी प्रकार प्लस वहां पर जो ऋणायन है, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया, देखिए मोलर चालकता को लिखा दिखाते हैं, कैप एम या लेमडा भी बोलते हैं इसे, कैप एम या लेमडा एम, अनंत कह रहे हैं तो यहां पर मैंने अनंत का साइन बनाया है। एक चीज मैं और बता देती हूं, आप अगर अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको यहां पर ऐसे करके नॉट दिखाई देगा, ठीक है, ये ओ टाइप का लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये तो हो गई मोलर चालकता, और इसमें गोला सा दिखा देंगे ना, नॉट कहते हैं इसको, नॉट लगा देंगे तो इसको अनंत तनुता, लेकिन हमने यही पढ़ा, अनंत को हम इस साइन से दिखाते हैं, ठीक है, तो हमने यही यूज किया है, आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं, आपकी बुक में यही यूज किया होगा। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उसके
धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होते हैं। लिख दिया ना, तो आप चाहे तो लेमडा यूज कर सकते हैं, चाहे तो कैप यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसके धनायन, धनायन क्या होता है, Na पॉजिटिव, इसकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर, और इसी के ऋणायन की मोलर चालकता जो कि अनंत तनुता पर है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो NaCl का आसानी से निकल जाएगा। ये तो बात हो गई ऐसे आयन की जिसमें एक धन बन रहा है एक ऋण बन रहा, लेकिन कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जिसमें धनायन की संख्या दो, ऋणायन की संख्या एक, या ऋणायन की संख्या, मतलब ये समझ लीजिए एक एक से ज्यादा धनायन और ऋणायन बनेंगे। तो अगर धनायनों की संख्या V पॉजिटिव मान लें और ऋणायनों की संख्या V निगेटिव हो, तो फिर तब कैसे निकालेंगे, कोलरोस का नियम कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है। तब आप क्या करेंगे, अनंत तनुता पर उस जो भी विद्युत अपघट्य होगा उसकी मोलर चालकता, उसके धनायन की मोलर चालकता और उसकी जो संख्या होगी वो आगे लिख देंगे, प्लस V निगेटिव है ऋणायनों की संख्या और ऋणायनों की मोलर चालकता अनंत तनुता पर इसके योग के बराबर होगी। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अभी हम इसके भी आप पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है, एग्जांपल करते हैं कुछ, KCl इसका अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल रहे हैं। जैसा कि हमें पता है KCl ब्रेक होता है टू पार्ट्स में, एक K पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसकी कुल मोलर चालकता, इसके धनायन मतलब K पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, प्लस इसके ऋणायन Cl निगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को जोड़ने पर KCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं MgCl2। अब पहले तोड़ के देख लेते हैं, MgCl2 होता है दो Mg है, सॉरी एक Mg का आयन है और दो क्या है, यहाँ Cl2 लिखा है मतलब दो Cl आयन है। तो आपको पता है मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव होता है, उतना ही निगेटिव इस पे होगा, तो 2 निगेटिव इस पे हो गया। तो अब MgCl2 के अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी, इसके धनायन, धनायन क्या है Mg पॉजिटिव की अनंत तनुता पर चालकता, प्लस इसके ऋणायन Cl निगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर। लेकिन यहां पर Mg पॉजिटिव की संख्या एक है तो कुछ नहीं है तो 1 इसको लिखते नहीं है, और इसकी संख्या 2 है तो यहां पर क्या लिखेंगे 2। तो V पॉजिटिव यहां पर 1 है और V निगेटिव मतलब ऋणायनों की संख्या कितनी है 2, तो आगे लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है Na2SO4, इसको देख लीजिए, Na2SO4 ब्रेक होता है 2 Na और कितना एक SO4 आयन। ठीक है, SO4 2 निगेटिव आयन, चार्ज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव, ओवरऑल जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रिक्स भी बताई थी। तो अब इसकी Na2SO4 के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, इसके धनायन क्या है लेमडा Na पॉजिटिव, यहाँ संख्या कितनी है 2 आगे लिख देंगे अनंत तनुता पर, प्लस SO4 की संख्या 1 है तो कुछ मत लिखिए आगे। ठीक है, SO4 2 निगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को जोड़ के। नेक्स्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al है 2 और SO4 की संख्या है 3, धनायन है 2 ऋणायन है 3, सॉरी यहाँ 3। ठीक है, आवेश, वो आवेश को चेंज नहीं करना, आगे जो संख्या है वो लिखनी है। ठीक है, लेमडा ये है कैप एम या लेमडा एम इनफाइनाइट, Al2SO4 का निकालना है, तो Al3 पॉजिटिव इसका धनायन, Al3 पॉजिटिव जिनकी संख्या है 2 तो आगे लिख देंगे, इसका ऋणायन है SO4 2 निगेटिव, इसके आगे लिख देंगे 3। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे इस कोलरोस, ये है कोलरोस का नियम कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उसके धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और उसके ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता को योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है कोलरोस के नियम के अनुप्रयोग, मीन्स ये कोलरोस का नियम कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी मदद से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट, जिस पर बेस्ड BSc और 12th स्टूडेंट ध्यान रखें, इस पर एक न्यूमेरिकल आता है, उसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात करने, मतलब जो पहले जो है आपको पता है केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता हम निकाल सकते थे, लेकिन कोलरोस के नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की भी चालकता निकाल सकते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं, HCOH, COH का होल ट्वाइस मतलब ऑक्सैलिक एसिड है, NH4OH है, और इसके अलावा CH3COH, एसिटिक एसिड। इसके अलावा और सीखने हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, स्टार्टिंग पार्ट विद्युत रसायन का पार्ट 1, उसमें मैंने सारी डाली हुई हैं, प्लीज उनको देखें।
ठीक है, कंटिन्यूअसली इसीलिए बार बार नहीं बताया जाएगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता कैसे ज्ञात करेंगे? कोलरोश के नियम द्वारा प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से, प्रबल विद्युत अपघट्यों की मदद से हम निकालेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता या फिर तुल्यांक की चालकता, आसानी से गणना कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से निकालेंगे, ठीक है, कोलरोश का नियम लगाते हुए। तो जैसे कि लैम्डा एम इनफाइनाइट सी एस थ्री सी ओ एन है, ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। मान लीजिए इसकी चालकता, मोलर चालकता अनंत तन्वता पर एक्स है, और ये कौन कौन से आयन बनाते हैं, सी एस थ्री सी ओ निगेटिव और एन ए पॉजिटिव। इसके अलावा एच सी एल, ये भी प्रबल में ही आते हैं, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। मान लीजिए इसकी अनंत तन्वता पर मोलर चालकता वाई है, और ये कौन कौन से आयन देता है, एच पॉजिटिव, सी एल निगेटिव, ऐसे एन ए सी एल, ये भी प्रबल में ही आते हैं विद्युत अपघट्य। जेड है इसकी मोलर चालकता, और ये ब्रेक होने के बाद एन ए पॉजिटिव और सी एल निगेटिव देता है। अब वो कह रहा है इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालो, किसकी, सी एस थ्री सी ओ एच। अब आपको ध्यान क्या रखना है, टूटने के बाद क्या देता है, सी एस थ्री सी ओ निगेटिव और एच पॉजिटिव। तो इन तीनों के मान की सहायता से इसका निकालना है, क्योंकि कोलरोश के नियम से इसकी चालकता नहीं निकाल सकते सीधे सीधे, तो इनकी मदद से इसकी निकालेंगे, मतलब कोलरोश का नियम लगाएंगे। देखिए क्या करना है, अब आपको कुछ भी करके इन आयनों में अगर ये वाले आयन मिलते हैं तो इनकी सहायता से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आसानी से मोलर चालकता गणना कर सकते हैं। तो आपने ढूंढिए ये आयन इनमें से कहां दिख रहे हैं, सी एस थ्री सी ओ निगेटिव मिल गया ना, ठीक है, तो इसके आगे लिख देना पॉजिटिव, ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे, ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसके अलावा क्या चाहिए हमें, एच पॉजिटिव, कहां है एच पॉजिटिव, ये है एच पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगी। अब बचा क्या, अब देखेंगे इसमें सी एस थ्री सी ओ निगेटिव, इसके साथ एन ए पॉजिटिव है, ये नहीं चाहिए हमें, और ऐसे एच पॉजिटिव हमने ले लिया लेकिन सी एल निगेटिव हमें नहीं चाहिए, तो हमें एन ए और सी एल हटाने हैं। तो हटाने के लिए ये वाला जो तीसरी वैल्यू दी है, इसमें हमें एन ए भी मिल जाएगा और सी एल भी मिल जाएगा, इसके वैल्यू को माइनस कर देंगे, आसान है। तो ये कैसे निकालेंगे, सी एस थ्री सी ओ एच की मोलर चालकता, पहला सी एस थ्री सी ओ एन ए का मान प्लस में रखिएगा इसकी मोलर चालकता को, एच सी एल जहां पर एच कॉमन आयन आ रहा है इसका मान भी प्लस में रखेंगे, और जो आयन आपको नहीं मिल रहे, इन दोनों में से कोई आयन नहीं मिल रहा ना, एन ए सी एल में कहां है ये आयन, तो इसके मान को माइनस कर देंगे, इससे हमारा निकल आएगा सी एस थ्री सी ओ एच का वैल्यू। क्योंकि आप ऐसे जनरली देखो ना, देखिए इसकी बात करें तो यहां पर एनए है, एनए से ये वाला एनए कट जाएगा और इसके सीएल से ये वाला सीएल कट जाएगा, तो बचा क्या है, यहां पर एक एच बचा, एक सी एस थ्री सी ओ एच, यही तो बच गया, बन गया है ना। चलिए ऐसे ही दूसरा दिया है, इसकी मोलर चालकता निकालनी है नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं, ये है अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड है, ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, इसकी मोलर चालकता निकालनी है। तो आपको क्या करना है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो आपने क्या करना है, आयन कॉमन आयन ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, ये टूटेगा दो भागों में, सी एस टू सी एल सी ओ निगेटिव तो है यहां पर मिल जाएगा हमें, तो इसका मान प्लस में रखना है, सी एस टू सी एल सी ओ, ये मान यहां से मिल जाएगा, और दूसरा हमें चाहिए एच, ये टूटेगा तो एच पॉजिटिव बनाएगा, तो कहां है एच, यहां। अब क्या नहीं चाहिए हमें, इसका के नहीं चाहिए, इसका सी एल नहीं चाहिए, ठीक है, तो नेक्स्ट मान जो आपको दिया होगा यहां पर, सॉरी मैंने NaCl लिख दिया, KCl, तो इसको माइनस कर देंगे, जो मान नहीं चाहिए वो यहां पर लिख देंगे, तीसरा जो दिया होगा KCl, यहां से K और यहां से Cl निकल जाएगा माइनस, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में कि H2O जल का अनंत तन्वता पर मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, जल की भी अनंत तन्वता पर मोलर चालकता निकालना इतना आसान नहीं होता, तो कोलरोश का नियम लगाएंगे। तो कैसे लगाना है, देखिए H2O को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव, लेकिन इनका मोलर चालकता इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लेंगे, कोई प्रबल विद्युत अपघट्य, तीन तो लेने ही लेने हैं, तो आपको पता है कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य लो जिसमें H पॉजिटिव आयन बने, तो बार बार पढ़ रहे हैं HCl, ठीक है, तो हमने लिख दिया लेमडा एम HCl, तो क्योंकि H पॉजिटिव हमें चाहिए तो ये मान प्लस में आएगा, ठीक है, और हमें चाहिए एक ऐसा विद्युत अपघट्य प्रबल जिसमें OH निगेटिव आए, तो OH निगेटिव वाला प्रबल विद्युत अपघट्य NaOH या KOH, तो मैंने NaOH ले लिया, तो OH आ रहा है ना, इसका मान भी प्लस। अब इसमें देखिए यहां क्या बचा, Cl जो हमें नहीं चाहिए, और यहां क्या बचा, Na, तो हमें इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl, तो उसके मान में से हम घटा देंगे NaCl का, तो हमें निकल जाएगा H2O, क्योंकि
एन ए से एन ए कट जाएगा, इधर देखिए सी एल से सी एल कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ एच, और यहाँ बचेगा ओ एच, किसका निकल जाएगा एच टू ओ का आसानी से। नेक्स्ट एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के आयनन की मात्रा, इस पर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के आयनन की मात्रा भी हम निकाल सकते हैं। मैंने बताया था प्रबल विद्युत अपघट्य 100% 100% आयनित होते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है जैसे 100% नहीं होंगे आयनित, 90% 80% 60% 40% बहुत कम आयनित होते हैं, ठीक है। तो कितना आयनित हो रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्टी के वियोजन की मात्रा, ठीक है, हम निकाल सकते हैं क्योंकि इनका आयनन पूर्ण नहीं होता, तो जितना भी होगा हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वियोजन की मात्रा, ये पहले भी पढ़ा चुकी हूं मैं आपको जब हम पढ़ रहे थे विलयन चैप्टर, ठीक है। वियोजन वहां पर दूसरे तरीके से है, कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। वियोजन की मात्रा एल्फा इक्वल टू होते हैं, आपको एक सांद्रता दी गई होगी जैसे 0.1 मोल या 0. मान लीजिए 2 नॉर्मल विलयन, ठीक है, ये सांद्रता होती है, नॉर्मेलिटी मोलरता ये सांद्रता हुई, ठीक है। तो आपको एक सांद्रता दी होगी, उस पर मोलरता कितनी है, मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है। तो कोलरॉश के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं ना, अनंत तनुता पर किसके बराबर होती है, इसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर। तो वियोजन की मात्रा एल्फा इक्वल टू दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता हम कैप एम से दिखाएंगे, और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता उसे दिखाएंगे कैप एम, और ये हो जाएगा अनंत का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालने का फॉर्मूला ये है, तो यहां रख लीजिए वैल्यू। तो ये हो जाएगा कैप एम दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर होगी धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं किसी का भी वियोजन की मात्रा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल का वियोजन स्थिरांक भी निर्धारित कर सकते हैं। इस पर जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी सहायता से, कोलरॉश के नियम की सहायता से, कोई अम्ल अगर वो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल अम्ल है, तो उसका वियोजन स्थिरांक भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नई थ्योरी आप सुनेंगे, ओस्टवाल्ड का तनुकाता का नियम, ये बीएससी स्टूडेंट्स इसको सुनेंगे। इंग्लिश वीडियो में तो मैंने अपलोड किया है, बस ट्वेल्थ में नहीं है, तो बाद में मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के लिए दिया गया था, और ये नियम जो है अम्ल वियोजन स्थिरांक जिसे के ए कहते हैं और वियोजन की मात्रा एल्फा के बीच एक संबंध दिया। तो वो संबंध क्या है, देखिए देखिए मान लीजिए ए बी है, एक कोई विद्युत अपघट्य है दुर्बल विद्युत, ये ब्रेक होने के बाद कुछ मात्रा तो टूटेगी ना, ए पॉजिटिव और बी निगेटिव आयन बना रहे धनायन ऋणायन। तो जब समय जीरो था, शुरू नहीं हुई है रिएक्शन, तो आपने विद्युत अपघट्य बीकर में ले लिया एक मोल, तो अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुए, टूटे नहीं है, तो यहां पर जीरो जीरो बना है, ठीक है। अब आपने उसमें पानी मिलाया, ठीक है, डाइल्यूशन किया, पानी मिलाया, तो कुछ देर बाद मान लीजिए एक में से अल्फा मोल निकल गए, अल्फा मात्रा वियोजित हो गई, तो जितने वियोजित हुए होंगे यहां भी तो उतनी मात्रा बनेगी ना, तो अल्फा अल्फा मोल बन गए। तो सांद्रता अगर हम देखें तो सांद्रता होता है, सांद्रता इक्वल टू होता है मोल अपॉन आयतन, ठीक है, कंसंट्रेशन सी इक्वल टू होता है एन अपॉन वी, ठीक है। तो मोल दे रखे 1 - अल्फा अपॉन वी, क्या हो गया आयतन, और यहां क्या हो जाएगी सांद्रता, अल्फा मोल अपॉन वी आयतन, अल्फा मोल अपॉन वी आयतन, ठीक। नेक्स्ट है अम्ल वियोजन स्थिरांक, ठीक है, अब निकालेंगे अम्ल वियोजन स्थिरांक। जैसे आपको पता है आप साम्यावस्था स्थिरांक निकालते थे 11th में, है ना, साम्यावस्था स्थिरांक के सी इक्वल टू होता है, कैसे निकालते थे, जो उत्पाद है इधर देख लीजिए आप एक बार, ये जो उत्पाद है इनकी सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। तो अम्ल वियोजन स्थिरांक के ए इक्वल टू हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता, मतलब ए की ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट को कहते हैं सांद्रता, और बी निगेटिव आयन की सांद्रता अपॉन ए बी जो ये ठोस विद्युत अपघट्य इसकी सांद्रता। तो जो ठोस होता है विद्युत अपघट्य इसकी सांद्रता को कितना मान लेते हैं, 1 ही तो थी अभी बताया था ना, तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी हम देखेंगे ए पॉजिटिव की सांद्रता टी समय के बाद कितनी थी, एल्फा अपॉन वी इंटू बी निगेटिव की सांद्रता कितनी थी, एल्फा अपॉन वी, लेकिन ए बी की सांद्रता कितनी है, 1 - अल्फा अपॉन वी। तो क्या होगा, एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई हो गया अल्फा स्क्वायर, यहां बचा वी इंटू ये ऊपर चला गया
वन ऊपर चला जाएगा, वन माइनस एल्फा यहाँ पर आ जाएगा, ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा, वन अपॉन वन माइनस एल्फा, तो ये हो गया एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा इंटू वन अपॉन वी। देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, वन अपॉन वी को हम सांद्रता सी भी लिखते हैं, जैसे एन अपॉन वी होता है, वैसे वन अपॉन वी को हम कंसंट्रेशन सी मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान एल्फा स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस एल्फा, मतलब ये है अम्ल वियोजन स्थिरांक और एल्फा है वियोजन की मात्रा, सी है सांद्रता। तो एल्फा की मात्रा तो हम निकाल लेते हैं ना कोलरोश के नियम के अनुसार, एल्फा इक्वल टू होता है दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो ये वैल्यू मैंने रखी तो के ए इक्वल टू हो गया एल्फा स्क्वायर रख देंगे कैप एम अपॉन कैप एम का अनंत तनुता पर चालकता का होल स्क्वायर इंटू सी अपॉन नीचे हो जाएगा वन माइनस एल्फा, एल्फा की जगह पर ये वैल्यू रख दी। अब आप क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लेके जाऊंगी के ए के साथ, तो के ए इक्व टू हो जाएगा, देख लीजिए तो के ए इक्व टू आ गया है, यहां चला जाएगा वन माइनस कैप एम अपॉन कैप एम इनफाइनाइट अनंत इक्व टू ये हो गया लेमडा एम अपॉन लेमडा एन इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू सी। तो इसकी सहायता से भी हम के का मान निकाल सकते हैं, के ए का मान, बट ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा ठीक है, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है अल्प विलेय लवणों की विलेयता गुणनफल ज्ञात करने में, तो इसकी सहायता से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्प विलेय लवण वो होते हैं जो बहुत कम घुलते हैं ठीक है, बहुत कम, ऐसे कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता कम होती है, मतलब आयनाइज कम होते हैं, जैसे PbSO4 लेड सल्फेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल है, AgCl का काफी यूज किया जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, PbSO4 को ब्रेक किया, Pb2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में, मान लीजिए इसके मोल 1 है, इसकी सांद्रता 1 मान लेते हैं, Pb2 पॉजिटिव की सांद्रता C और SO4 की सांद्रता भी C है, ये हमने मान ली है ठीक है। तो अब विलेयता गुणनफल निकालेंगे ठीक है, विलेयता गुणनफल ये हमारा स्थिरांक है KSP, विलेयता गुणनफल इसे कहते हैं, ये डिपेंड करेगा इसकी सांद्रता गुणा इसकी सांद्रता पर ठीक है, वही है मतलब एक कांस्टेंट है, बस आप इतना समझ लीजिए विलेयता गुणनफल स्थिरांक, सॉरी स्थिरांक लिखना भूल गई, विलेयता गुणनफल स्थिरांक इसको कहते हैं के, और एसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इंग्लिश का है ये ठीक है। इक्व टू होगा वही, जब भी स्थिरांक निकालते हैं तो उत्पाद की सांद्रता बट्टे ये क्या कहते हैं इसे अभिकारक की सांद्रता, तो Pb2 पॉजिटिव की सांद्रता स्क्वायर ब्रैकेट SO4 की 2 निगेटिव की सांद्रता अपॉन PbSO4 की सांद्रता। तो Pb2 पॉजिटिव की सांद्रता C मान ली है, SO4 की भी सांद्रता C और PbSO4 की सांद्रता इस समय क्या है 1, वैसे भी ये सॉलिड है ठोस है तो इसको 1 मान लेंगे ठीक है। आप क्या करेंगे C और C मल्टीप्लाई हो गया तो सी स्क्वायर। तो किसी भी अल्प विलेय लवण की विलेयता गुणनफल स्थिरांक का मान उन दोनों आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है ठीक है। तो KSP = C², इससे भी निकाल सकते हैं हम। तो आप क्या करेंगे सांद्रता C का मान हम निकालेंगे, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, सांद्रता C इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट, कप्पा होता है विशिष्ट चालकता अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता आप किससे निकाल सकते हैं, कहां से निकाल सकते हैं, लेमडा पॉजिटिव की सांद्रता, सॉरी लेमडा पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस लेमडा नेगेटिव, बताया था ना मोलर चालकता धनायन की और ऋणायन की दोनों की योग के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हमने रख दी। अब ये आपको मैं बता भी दे रही हूँ ये वैल्यू कहां से आई है, ये वही मोलर चालकता है, देखिए कैसे आया, देखिए लेमडा एम मोलर चालकता जो होती है वो होती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम ठीक है। अगर अनंत तनुता की बात करें मोलर चालकता की, अनंत तनुता की, तो ये भी सिंपल है, कप्पा इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा ठीक है। 1000 को देखिए तो 1000 तब होता है जब सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं, अगर लीटर में ही रखना है तो 1/m भी लिखते हैं। अब m क्या होता है, मोलरता है, मोलरता क्या होती है एक प्रकार से, मोलरता किसे किसे कहते हैं, सांद्रता को ही तो प्रदर्शित करने का एक तरीका है, तो मोलरता नॉर्मलता ग्राम प्रति लीटर ये सब सांद्रता को, मोल अंश ये सब क्या है सांद्रता को प्रदर्शित करने के तरीके, तो सांद्रता को सी भी लिख सकते हैं, तो 1/m की जगह आप सी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया ना लेमडा एम इनफाइनाइट इक्वल टू कप्पा अपॉन सी, तो सी को यहां लेके जाइए ठीक है, कप्पा अपॉन सी आ गया, सी को यहां ले आइए, लेमडा एम को यहां ले आइए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सी इक्वल टू कप्पा
अपॉन लेमडा एन इनफाइनाइट। तो इस प्रकार यहां हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर में ये वैल्यू, सी की वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये बन जाएगा के एस पी इक्वल टू कप्पा अपॉन लेमडा एन इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम अल्प विलेय लवणों की क्या निकाल सकते हैं, विलेयता गुणनफल। नेक्स्ट है अभिगमनांक संख्या का निर्धारण, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ये मैं कहूंगी ट्वेल्थ स्टूडेंट्स का नहीं है, तो ट्वेल्थ स्टूडेंट्स ये वाले यहाँ से आगे वीडियो नहीं भी देखेंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ तक की वीडियो जो थी, यहाँ तक जो मैंने ऊपर बताया फोर्थ पॉइंट तक, ये जो अनुप्रयोग है ये तो ट्वेल्थ में है, लेकिन इसके बाद वाले ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अभिगमनांक संख्या का निर्धारण भी हम कर सकते हैं, इसको कहते हैं अभिगमनांक संख्या को इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट नंबर। तो देखिए मोलर चालकता या कोई भी चालकता आयनों की संख्या पर और आयनों की गति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आयनों की संख्या पर निर्भर ये करता है, ठीक है, उनकी गति पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मोलर चालकता आयनों की गति पर निर्भर करता है। मैंने बताया था ना दो फैक्टर, एक तो मोलर चालकता निर्भर करता है आयनों की संख्या पर, एक गति पर। तो आयनों की गति जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ही मोलर चालकता ज़्यादा होगी। तो आयनों की गति को हम धनायन की गति को वी पॉजिटिव और ऋणायन की गति को वी निगेटिव से दिखाएंगे। तो लेमडा पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगा, उसकी गति के बराबर, मतलब वी पॉजिटिव के बराबर। और प्रोपोर्शनल हटेगा, अनुक्रमानुपाती हटेगा, तो एक नेतांक आएगा जिसे कहेंगे के। और ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी किसके अनुक्रमानुपाती, उसके ऋणायनों की गति वी निगेटिव के बराबर। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नेतांक आएगा जिसे कहते हैं के वी निगेटिव, समीकरण दो। नेक्स्ट है कोलरोज के नियमानुसार, अब क्या कहते हैं कोलरोज का नियम, लेमडा एम इनफाइनाइट इक्वल टू लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस लेमडा नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है, ये तो पता है हमें। अब लेमडा एम इनफाइनाइट ये, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक जो हमें दिया था क्या था, लेमडा पॉजिटिव कैप लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट इक्वल टू के वी पॉजिटिव को हम डिवाइड करेंगे समीकरण तीन से, ठीक है। इसको लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से डिवाइड कर दिया है ना, लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट को डिवाइड करेंगे लेमडा एम इनफाइनाइट से, ऐसे ही राइट वाला था के वी पॉजिटिव को डिवाइड कर देंगे इससे, लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस लेमडा निगेटिव इनफाइनाइट। अब लेमडा पॉजिटिव का मान कितना था, के वी पॉजिटिव तो था, तो रख देंगे के वी पॉजिटिव। और लेमडा निगेटिव इनफाइनाइट का मान क्या था, के वी निगेटिव। अब इन दोनों में के कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में हमने k कॉमन लिया तो k से ऊपर वाला k कट गया, तो क्या आ गया हमारा लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट अपॉन लेमडा m इनफाइनाइट का मान v पॉजिटिव अपॉन v पॉजिटिव प्लस v निगेटिव। जब ट्रांसपोर्ट नंबर अभिगमनांक संख्या पढ़ाएंगे तो तब आपको पता चल जाएगा। तो इसका मान जो होता है धनायनों की ये स्पीड हम कह सकते हैं, धनायनों की स्पीड अपॉन धनायन प्लस ऋणायन कुल स्पीड, मतलब चाल जो जिसे आप कहते हैं, उसका मान बराबर होगा किसके बराबर होगा, टी पॉजिटिव मतलब धनायनों के अभिगमनांक संख्या के बराबर। ऐसे ही दूसरे को हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पूरी ऐसी प्रक्रिया से सॉल्व होगा। जैसे समीकरण एक को विभाजित किया था तीन से, इसी प्रकार समीकरण जो दो है, दो क्या था लेमडा नेगेटिव इक्व टू कप्पा के वी निगेटिव, उसको भी आज समीकरण तीन से विभाजित करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिखा रहे हैं इसी की तरह होगा, लेमडा नेगेटिव की अनंत तनुता पर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये तो केवल ऋणायन की है पूरे विद्युत अपघटी, इक्व टू वी निगेटिव अपॉन वी पॉजिटिव प्लस वी निगेटिव इक्व टू होगा टी निगेटिव, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ऋणायनों की स्पीड गति अपॉन धनायन और ऋणायन की कुल गति, इन दोनों का जो वो है अनुपात, वो ऋणायनों के अभिगमनांक संख्या मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशन थे, मैंने कुछ ही एप्लीकेशन बताई हैं। तो आज हमने कोलरोज के नियम को डिटेल में पढ़ा, इसके अलावा उसके कुछ अनुप्रयोग भी पढ़े हैं, ठीक है, जो ट्वेल्थ और बीएससी और एमएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।